देखिए इंसान तो इंसान, नागलोक में भी अगर कोई आया है गर्मी के मौसम में राहत की सांस देने के लिए तो वो है एनाकोंडा, एसी वाला एनाकोंडा। जी हाँ, महाराष्ट्र में इस मौसम में कभी आप भी घूम घुमा कर देखिए, ये बेचारे तो इतनी स्ट्रांग वाली लाइट में शूटिंग करते हैं। तो चलिए इसी के साथ नागमणि में लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी जो पारो है ना, जो यूं तो नागिन है लेकिन आजकल सरदार जी के भेष में है। भैया बुरा हाल हो रखा है इनका। ये देखिए, अभी हम स्टोरी में हीट वेव की बात कर रहे थे, तो इधर देखिए नागमणि के सेट पर भी ये गर्मी से कितना हाल बेहाल हो रखा है। ये फिल्म सिटी में आउटडोर शूट किया जा रहा है, जहां पर पारो बलविंदर बनी है। इतनी गर्मी में ये भारी भरकम पगड़ी, ये चेहरे पर दाढ़ी, पसीना रुक नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये दाढ़ी ही कभी भी निकल जाती है। अब जैसे जैसे थोड़ा सा वक्त मिलता है, पारो यानी कि आलिया छोटे से एनाकोंडा के पास आ जाती है हवा लेने के लिए। वैसे पारो छोटे एनाकोंडा से हवा ले रही है, तो वही कुछ ही देर में वो बन गई है नागिन। पारो को नागिन बनना पड़ा और पारो जमीन के अंदर फंस गई। अरे भाई, अपने देव को भी तो बचाना है। देव को किडनैप कर लिया गया है, तो अब ऐसे में देव का रखवाला कौन बनेगा? अब पारो के रहते क्या ये भी कोई पूछने वाली बात है? पारो बल्लू बनकर उसे बचाने आती है, फाइट वाइट करते हैं और तू खिलाड़ी में अलाड़ी चल रहे। देव को पारो ने बचा ही लिया और देखिए यहाँ से वो निकल भी गई है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।